हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, अगर आप एक रेडमी नोट 10 एस डिवाइस के यूजर से, तो दोस्तों फाइनली आपके लिए काफ़ी बड़ी सरप्राइज गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों फाइनली रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 10 एस डिवाइस के लिए MIUI 14 का अपडेट वो भी एंड्रॉयड 13 के साथ आज से देखेंगे सभी यूजर्स के लिए रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड इस अपडेट के वर्जन के बारे में बात करेंगे तो 14.0.2.0 का अपडेट है। एंड साइज के बारे में बात करेंगे तो 3.3 GB इस अपडेट का साइज है। एंड इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन में काफी सारे अमेजिंग चेंज लोग फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें से कुछ फीचर्स एंड्रॉयड 13 बेस मिल जाते हैं एंड कुछ फीचर्स आपको MIUI 14 बेस मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक रेडमी नोट 10 एस डिवाइस के यूजर से, तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अगर आपके रेडमी नोट 10 एस डिवाइस में MIUI 14 विद एंड्रॉयड 13 का अपडेट मिला है कि नहीं मिला है, कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपडेट इंस्टॉल होने के बाद हम चेकआउट करके देखेंगे अबाउट फोन सेक्शन में क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं। सो अबाउट फोन सेक्शन में जाएंगे एंड अबाउट फोन सेक्शन में जाने के बाद देख सकते हैं हमारा जो अबाउट फोन सेक्शन का जो पेज है वो थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अपडेटर का जो लोगो है वो भी यार चेंज हो चुका है MIUI 14 में। एंड इसके बाद हम जाएंगे व्हाट्सएप में एंड व्हाट्सएप में जाने के बाद देख सकते हैं आपको स्टेबल MIUI बेस एंड्रॉयड 13 का अपडेट है, मोर फीचर्स एंड इंप्रूवमेंट्स, बस आपको ये टिपिकल चेंज लोग देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों सारे के सारे फीचर्स आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपको एंड्रॉयड 13 का मेजर अपग्रेड देखने को मिल जाता है। सो एंड्रॉयड 13 पे जाएंगे एंड एंड्रॉयड 13 पे जाने के बाद देख सकते हैं एंड्रॉयड एस के जो ईस्टर एग्स है उस मेथड से देखेंगे इनेबल कर सकते हैं, तो काफी बेटर इस बार एंड्रॉयड 13 का एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है लोगों में। वैसे कोई फीचर्स तो नहीं है, लेकिन एंड्रॉयड 13 का एनिमेशन काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों बात करेंगे एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल, जो कि यार मार्च महीने का देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों अबाउट फोन सेक्शन का जो पेज है वो भी यार आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। आपको जो आइकॉन्स है वो भी यार ग्रिड टाइप के आपको कलरफुल आइकॉन्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे इस अपडेट के बाद आपको एनिमेशन ऑप्टिमाइजेशन कैसा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों एंड्रॉयड 13 के बाद आपके फोन में बेटर एनिमेशन देखने को मिल जाता है। ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो ऑप्टिमाइजेशन वो भी यार काफी बेटर देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो एनिमेशन है काफी ज्यादा बेटर देखने को मिल जाता है, स्मूथी देखने को मिल जाता है। वैसे दोस्तों मेरे पास 6 GB का वेरिएंट है, अगर आपके फोन में ऐसा एनिमेशन मिलता है सो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले अमेजिंग चेंजेस के बारे में, जो कि MIUI 14 के बाद आपके फोन में सुपर फोल्डर का फीचर मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, आपके फोन में कोई भी फोल्डर हो एंड उस फोल्डर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है एंड लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऊपर के साइड में देख सकते हैं आपको एडिट फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो एडिट फोल्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको रेगुलर, एनलार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सो आपके फोन में कोई भी फोल्डर हो एंड अगर आपको सुपर फोल्डर में कन्वर्ट करना है तो काफी इजी मेथड से सुपर फोल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काफी शानदार फीचर्स आपको इस अपडेट के बाद आपके फोन में इनेबल हो जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगले चेंज लॉक फीचर्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों अगर आपके फोन में जितने सारे सिस्टम के एप्लीकेशन है, जैसे कि गैलरी है, उसके बाद मी नोट्स है, उसके बाद दोस्तों थीम स्टोर है, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं उसका विजेट्स अपने होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आपने यहाँ पे थीम स्टोर के ऊपर लॉन्ग प्रेस किया या फिर मी स्टोर के ऊपर लॉन्ग प्रेस किया, सो आप देख सकते हैं आपको काफी सारे यहाँ पे विजेट्स का जो रेजोल्यूशन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों गैलरी एप्लीकेशन के ऊपर मैंने लॉन्ग प्रेस किया एंड लॉन्ग प्रेस करने के बाद डायरेक्टली मुझे विजेट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके दोस्तों नोट्स एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे तो नोट्स एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो विजेट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो ये काफी शानदार फीचर्स आपको Redmi Note 10 एस डिवाइस में इनेबल हो चुका है। एंड इसके बाद दोस्तों होम स्क्रीन सेटिंग में जाएंगे एंड होम स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद चेकआउट करेंगे विजेट सेक्शन में। सो विजेट सेक्शन में अभी तक आपको विजेट्स ऐड करने का भी सपोर्ट देखने को नहीं मिला, शायद ये फीचर्स आपको सिस्टम लॉन्चर अपडेट के बाद ही देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले अमेजिंग चेंज लॉक फीचर्स के बारे में, जो कि आपको स्मार्ट साइड बार में मल्टीपल फ्लोटिंग विंडोज का फीचर मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने स्मार्ट साइड बार को ओपन किया एंड सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करेंगे फेसबुक, तो फेसबुक यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो चुका है। एंड इसके बाद दोस्तों सेकंड जो एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट वो भी यार मैंने ओपन किया है। सो फ्लिपकार्ट एंड फेसबुक ऐसे दो फ्लोटिंग विंडोज एक साथ यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। एंड दोस्तों अगर आपको कुछ पर्टिकुलर काम करना है होम स्क्रीन पर, सो बॉटम से जस्ट आपको स्वाइप करना है एंड स्वाइप करने के बाद ये जो दोनों के दोनों फ्लोटिंग विंडोज है फ्लोटिंग बबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो MIUI 14 के बाद Redmi Note 10 एस डिवाइस में फ्लोटिंग विंडो एंड फ्लोटिंग बबल का भी फीचर आपको डिवाइस में इनेबल हो जाता है।
इसके बाद दोस्तों बात करेंगे ऑफिशियली सिस्टम लॉन्चर को अपडेट करने के बाद आपके डिवाइस में क्या फीचर मिल जाता है। तो होम स्क्रीन सेटिंग में जाएंगे एंड होम स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं डोंट शो टेक्स्ट एंड डोंट शो टेक्स्ट ऑन विजेट्स, ऐसे दो फीचर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर आपको एप्लीकेशन के आइकॉन्स के नीचे के साइड में जो टेक्स्ट को गायब करना है वो भी आप गायब कर सकते हैं। इवन दोस्तों अगर आपको जो विजेट्स है विजेट्स के नीचे के साइड में जो टेक्स्ट है उसको गायब करना है मतलब ये हाइड करना है वो भी आप डिसेबल कर सकते हैं। वैसे सारे के सारे फीचर्स आपको MIUI 14 सिस्टम लॉन्चर को अपडेट करने के बाद मिल जाते हैं क्योंकि सारे के सारे ऑफिशियल फीचर्स मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे होम स्क्रीन सेटिंग में जाएंगे एंड होम स्क्रीन सेटिंग में जाने के बाद अब आपके सामने तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, क्लासिक मोड, ऐप ड्रावर मोड एंड तीसरा देख सकते हैं लाइट मोड। सो इस अपडेट के बाद अपने होम स्क्रीन सेटिंग में लाइट मोड का नया फंक्शंस भी ऐड हो चुका है एंड इसके बाद दोस्तों एनिमेशन स्पीड जो कर 6GB या फिर 8GB रैम में अवेलेबल है। एंड इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले चेंज लॉक फीचर्स के बारे में जो कि गूगल का फीचर है मतलब ये एंड्रॉइड 13 का फीचर है जिसका नाम है मोनेट आइकॉन्स फीचर्स। तो दोस्तों आप होम स्क्रीन पर चेकआउट करके देख सकते हैं जितने सारे गूगल के एप्लीकेशन है जैसे कि प्ले स्टोर से गूगल का जीमेल है, उसके बाद दोस्तों नीचे के सर में जो डायलर पैड है एवं काफी सारे जो गूगल के एप्लीकेशन है उनका जो कलर्स एंड जो आइकॉन्स है वो यहाँ पे टोटली चेंज हो चुका है। सो इस फीचर को इनेबल करने के लिए सिंपल जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद जाना है होम स्क्रीन में एंड होम स्क्रीन में जाने के बाद नीचे के सर में आइकॉन साइज में जाना है एंड आइकॉन साइज में जाने के बाद नीचे के सर में देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर का नया फीचर ऐड हो चुका है। इसमें देख सकते हैं ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है, उसके बाद देखेंगे ब्राउन है, ऐसे चार पांच कलर के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। सो जो भी कलर आपको पसंद आता है तो आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं एंड सेट करने के बाद आप देख सकते हैं जितने सारे गूगल के एप्लीकेशन है उनका कलर्स यहाँ पे चेंज हो जाता है एंड जो आइकॉन्स का साइज है वो भी यार चेंज हो जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे कुछ और भी फीचर्स के बारे में जो कि आपको सेटिंग में देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स MIUI 14 के बाद अगर हम जाएंगे वॉलपेपर सेक्शन में या फिर दोस्तों अगर हम जाएंगे थीम स्टोर के सेक्शन में तो थीम स्टोर में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे MIUI 14 के काफी सारे लेटेस्ट वॉलपेपर्स ऐड हो चुके हैं। सो अब आपको यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से वॉलपेपर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है या फिर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सिंपल जाना है थीम स्टोर में एंड थीम स्टोर में जाने के बाद वॉलपेपर के सेक्शन में MIUI 14 के सारे वॉलपेपर्स आपको मिल जाएंगे। सो इजीली आपको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे इसके बाद अगले चेंज लॉक फीचर्स के बारे में। वैसे दोस्तों फीचर्स तो नहीं कह सकते लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशंस एंड थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल जाता है जो कि प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद जो फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशंस का जो एनिमेशन है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। सो इससे पहले आपको पूरा का पूरा व्हाइट पेज देखने को मिलता था एंड 3D टाइप का एनिमेशन देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस MIUI 14 के बाद आप देख सकते हैं आपको ब्लैक पेज देखने को मिल जाता है एंड थोड़ा सा आपको 3D टाइप का एनिमेशन देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे इसके बाद अगले चेंज लॉक फीचर्स के बारे में जो कि आपको सेफ्टी एंड इमरजेंसी के अंदर देखने को मिल जाता है। तो सेफ्टी एंड इमरजेंसी में जाएंगे सर दो आपको यहाँ पे अलर्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पहले देख सकते हैं क्रिसिस अलर्ट आपको यहाँ पे ऐड हो चुका है लेकिन यार प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। इसके लिए दोस्तों बात करेंगे सेकंड अलर्ट जो कि यार अर्थवेक अलर्ट, ये भी यार फीचर ऐड हो चुका है लेकिन दोस्तों अर्थवेक अलर्ट हमारे कंट्री में मतलब हमारे रीजन में अभी तक प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। इसके लिए दोस्तों बात करें अगले चेंजेस के बारे में, जैसे कि दोस्तों ऊपर के साइड में जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, सो पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब यहाँ पे शो हो जाता है जो कि इससे पहले यहाँ पे शो भी नहीं होता था। चलिए दोस्तों इसके बाद चेकआउट करके देखेंगे एप्लीकेशंस के सेटिंग में आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स का सपोर्ट मिला है कि नहीं मिला है। तो अभी भी देखेंगे स्टिल आपको अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, बाकी दोस्तों मैनेज शॉर्टकट्स वो तो आपको पहले से देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों को लगेगा कि हमारे फोन में जो स्पेशल फीचर्स का फंक्शन है वो यहाँ पे गायब हो चुका है, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे जो स्पेशल फीचर्स की जो सेटिंग्स है सारे के सारे एडिशनल सेटिंग्स में शिफ्ट किया है। सो एडिशनल सेटिंग में जाएंगे एंड एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद सारे के सारे फीचर्स अब यहाँ पे चेकआउट करके देख सकते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग विंडोज है, फ्लोटिंग विंडोज के अंदर जो स्मार्ट साइड बार है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए दोस्तों बात करेंगे अगले चेंज लॉक फीचर्स के बारे में जो कि आपको मेमोरी एक्सटेंशन में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों MIUI 14 के बाद मेमोरी एक्सटेंशन में जाने के बाद अब आपके सामने 2GB, 3GB एंड 5GB ऐसे तीन मेमोरी एक्सटेंशन के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जो कि इससे पहले आपको कभी भी देखने को नहीं मिलता था। सो मेमोरी एक्सटेंशन का भी एक चेंज लॉक फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे इसके बाद अगले अमेजिंग हिडन फीचर्स के बारे में जो कि आप अपना जो नेटवर्क का स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं मतलब लिमिट को सेट कर सकते हैं। इस फीचर को इनेबल करने के लिए सिंपल हमको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना होता है। सो डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है एंड डेवलपर ऑप्शन को ऑन करने के बाद नीचे के साइड में जाना है स्क्रॉल करके एंड नीचे के साइड में जाने के बाद
नेटवर्क डाउनलोड रेट लिमिट ऐसे एक फंक्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना, एंड क्लिक करने के बाद 128 KB, उसके बाद देखेंगे 360 KB है, 1 MB है, 5 MB है, 50 MB है। सो जो भी स्पीड आपको सेट करना है तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। सो अगर आपका कोई भी फ्रेंड यहाँ पे हॉटस्पॉट इस्तेमाल करके अगर आपका जो इंटरनेट है वो यहाँ पे एग्जॉस्ट करता है, मिसयूज करता है, तो आप इस मेथड से इस फीचर के जरिए उसका जो डाउनलोड का रेट है उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो सेटिंग्स में बस इतने ही मेन चेंज लॉक फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके लिए दोस्तों Xiaomi अकाउंट का जो नेम है वो भी यार चेंज हो चुका है आइकॉन्स के साथ। तो इसके बाद दोस्तों बात करेंगे बाहर के कुछ चेंज लॉक फीचर्स के बारे में। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले हिडन फीचर्स के बारे में, जो कि आप अपने फोन में हार्ट रेट मेजरमेंट फीचर्स को भी इनेबल कर सकते हैं। एंड इस फीचर को इनेबल करने के लिए सिंपल आपको जाना है एक्टिविटी लॉन्चर में, एंड एक्टिविटी लॉन्चर में जाने के बाद हार्ट रेट मेजरमेंट को सर्च करना है, एंड हार्ट रेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं बैक साइड से LED एंड जो कैमरा उसको एक ही फिंगर से कवर ऑफ करना है, एंड कवर ऑफ करने के बाद हमारा जो हार्ट रेट मेजरमेंट है वो यहाँ पे काउंट डाउन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेडिकल तौर पर आप इस रिजल्ट को 100% कन्फर्म मत मानिए, क्योंकि दोस्तों एक सिंपल MIUI 14 का फीचर है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड इसको इनेबल करने के लिए सिंपल आपको जाना है एक्टिविटी लॉन्चर में, एक्टिविटी लॉन्चर में जाने के बाद सर्च करना है हार्ट रेट, एंड हार्ट रेट को सर्च करने के बाद आपके सामने हार्ट रेट मेजरमेंट का फीचर एक्सेस हो जाएगा, मतलब कि ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम चेकआउट करके देखेंगे गैलरी में क्या कुछ आपको चेंजेस मिलता है कि नहीं मिलता है। वैसे दोस्तों गैलरी में ज्यादा कुछ खास मुझे चेंजेस तो देखने को नहीं मिले, जैसे कि अगर हम जाएंगे एडिटर में, एंड एडिटर में जाने के बाद सारे के सारे फीचर्स हमको यहाँ पे गैलरी एडिटर को अपडेट करने के बाद ही देखने को मिले थे। सो मुझे तो कोई ज्यादा खास यहाँ पे फीचर तो देखने को नहीं मिला है। एंड इसके बाद दोस्तों चेकआउट करके देखेंगे टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन का फीचर मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि दोस्तों एंड्रॉइड 13 का अपडेट मिल जाता है। सो टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन को सर्च करने के बाद भी देख सकते हैं या फिर वो भी फीचर एक्टिवेट नहीं हो चुका। सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट आप यहाँ पे गैलरी एडिटर को अपडेट करने के बाद ये फीचर मिल सकता है, या फिर नेक्स्ट MIUI 14 के बाद ये फीचर्स आपके डिवाइस में इनेबल हो सकता है। तो दोस्तों Redmi Note 10S डिवाइस में MIUI 14 एंड्रॉइड 13 के बाद बस इतने मेन हाइलाइटेड चेंज लॉक फीचर्स मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।